Hey, what's up? This is Khushboo with another question of arithmetic progression. This is question number 4 from exercise 5.1, page number 100 from NCERT. This says, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and the next 3 more terms. सबसे पहले question के first half में आपको ये check करना है कि क्या ये AP form कर रहा है या नहीं. So, let's check that first. AP form करता है या नहीं? उसके लिए सबसे पहले हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 13, रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12. अब ये चेक करके बताना है एपी फॉर्म कर रहे हैं. एपी चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं? कॉमन डिफरेंस. अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीरीज एपी फॉर्म कर रहा है, अदरवाइज नहीं. सो कॉमन डिफरेंस के लिए डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन. सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है? रूट 6. फर्स्ट टर्म हमारे पास है रूट 3. अगेन द सेम थिंग. इफ यू हैव सीन द लास्ट वीडियो, उसमें मैंने आपको यही चीज बताई है. वहां कुछ टर्म्स आई थी एज इन रूट 8 माइनस रूट 2. इस क्वेश्चन के कुछ और पार्ट्स थे उसके अंदर भी. आई हैव सीन मेनी टाइम्स कि बच्चे इस तरह से करते हैं, रूट 6 माइनस रूट 3 तो दे विल राइट रूट 3, पर रूट 3 नहीं आ सकता. रूट के डिफरेंट नंबर्स को हम माइनस नहीं कर सकते. इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? रूट 6 के लिए आप इसे लिखोगे, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 की जगह पर. इसको आज लिख देती हूँ रूट 3. अब इसको स्प्लिट करके, मतलब ये बेसिकली यही है ना, रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3. अब इस टर्म से और इस टर्म में कॉमन क्या है? दोनों के पास कॉमन आ रहा है रूट 3, तो बाहर आ गया यहां पर रूट 3. ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? रूट 2, फिर एक नेगेटिव साइन है. रूट 3 बाहर आ गया तो अंदर बचा बक. ये आया है हमारे पास कॉमन डिफरेंस. सेम वे हम निकालेंगे नेक्स्ट टू टर्म्स पे, विच इज ए 3 माइनस ए 2. That means third term minus second term. Third term हमारी है root 9, second term हमारी है root 6. Root 9 को मैं लिख सकती हूँ 3, 9 का root 3 होता है. And 6 को हम लिख सकते हैं root 2 into root 3. अब आप मुझे बताओ इन दो टर्म में क्या कॉमन मिलेगा? जनरली बच्चे कहते हैं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बट एक 3 दो root 3 से मिलकर आया है. एक 3 के अंदर दो root 3 है, माइनस रूट 2 इंटू रूट 3. तो इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों के पास कॉमन है ये रूट 3, तो ये रूट 3 हम कॉमन निकालेंगे. अंदर बचा रूट 3, एक बाहर निकल गया, एक अंदर बचा, फिर एक नेगेटिव साइन. रूट 3 बाहर आ चुका है, अंदर बचा रूट 2. नाउ यू सी ये और ये टर्म सेम नहीं आ रही, सिर्फ रूट 3 सेम है बट ये ब्रैकेट सेम नहीं है. देयरफॉर दिस इज नॉट एन इशू. It is not an AP. ये AP नहीं है. अब जब ये AP नहीं है तो हमें इसको फर्दर सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है. Let's do another part, part number 14. So, 14th part. वन का स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ये है 14 पार्ट. इसके अंदर अगेन कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे. पहले d इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन. सेकेंड टर्म इज 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर इज 9, 1 का स्क्वायर इज 1, तो आया 8. सेम इज इसको चेक करते हैं, d इज इक्वल टू ए 3 माइनस ए 2. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. हमारी थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर? थर्ड टर्म इज 5 स्क्वायर. सो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मींस 25 माइनस 9, तो यहां पर आएगा 16. अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी. सो इट इज नॉट एन एपी. पार्ट नंबर 15 पार्ट में हमें गिवन है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73. कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास आता है ए टू माइनस ए वन. ए टू हमारे पास है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. सो 25 माइनस 1, ये आ गया हमारे पास 24. नेक्स्ट चेक करके देखेंगे ए 3 माइनस ए 2. ए 3 है 7 का स्क्वायर, ए 2 है 5 का स्क्वायर. 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मतलब 49 माइनस 25 इज 24. कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देयरफॉर दिस इज एन एपी. फॉर्म्स आर एपी.
तो मे बी फॉर्म कर रहा है तो हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालना है. सो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म. हमें फाइंड करना है फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ टर्म. फिफ्थ टर्म के लिए ए फाइव, दैट मीन्स ए प्लस फोर डी. सो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, फर्स्ट टर्म है वन का स्क्वायर, फोर डी मीन्स 24. सो वन प्लस 24 इंटू फोर 96, दैट मीन्स ये टर्म हमारी आएगी 97. सो ये टर्म नेक्स्ट आ गई हमारे पास 97. सेम वे हमें चेक करना है ए सिक्स पे, विच इज ए प्लस 5t. सो फर्स्ट टर्म हमारे पास है वन का स्क्वायर प्लस 5 और डी हमारे पास है 24. सो वन का स्क्वायर इज 1, 24 इंटू 5 120, तो ये आगे हमारे पास 121. सेम वेज हम चेक करेंगे ए सेवन, विच इज ए प्लस 6d. सो फर्स्ट टर्म इज 1 का स्क्वायर 6, डी इज 24. सो 144, दैट मीन्स 145 हमारे पास आएगी नेक्स्ट टर्म. इस तरह से हम टर्म्स फाइंड करते हैं. सबसे पहले एपी, कभी पूछा जाए कि सीरीज एपी है या नहीं, उसके लिए आपको चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं. अगर कॉमन डिफरेंस सेम है दैट मींस वो एपी है, अदरवाइज नहीं. सो दिस वाज फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1. अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज डू राइट टू अस, जो स्पेस नीचे गिवन है उसमें लिखिए, एंड टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.